अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हमाद एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इसमें मैं एक और न्यू प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अगली वीडियोस में जाके आपके लिए न्यू चीज़ें लाता रहूँगा और कम बजट प्राइस में अच्छी चीज़, अच्छे साउंड वाले एयरपोड्स, अच्छी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कम प्राइस टैग में, चीप प्राइस में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वैसे ही आज की एक हमारी न्यू प्रोडक्ट है जो कि हमारे यहाँ पर इसका नाम है भाई ट्रू वायरलेस स्टीरियो गेमिंग एयरबड्स। और मॉडल इनका जो है X15 Pro, और मतलब पैकिंग इनकी यार काफ़ी सॉलिड है। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि जो दूसरे वाले TWS से बिल्कुल सिंपल सी इनकी पैकिंग थी, बट अब ये वाले जो हैं गेमिंग के लिए हैं, जो गेमिंग के लिए ये एयरबड्स हैं आउट क्लास हैं यार। इनकी लुक हो, इनका साउंड हो, और इनकी लुक और साउंड ही है जाहिर सी बात है, और प्रोडक्ट के लिहाज से इनकी जो प्लास्टिक है यार काफ़ी आउट क्लास मुझे लगी है। और इनकी पैकिंग जो है, इनका बॉक्स है बहुत ज़्यादा आउट क्लास लिखता है। तो यहाँ पर इनकी पैकिंग में कुछ यहाँ पर ट्रू इनका इस मॉडल का नाम लिखा गया है, चाइनीज़ में कुछ लिखा गया है, यहाँ पर गेमिंग प्लस गेम स्पोर्ट्स यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पर गिवन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर गेम लिसनिंग पोजीशन का, अब गेमर्स को ज़्यादा पता होगा यार कि गेम लिसनिंग पोजीशन, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि आपके कान में बिल्कुल फिट हो जाता है और बहुत आउट क्लास इसकी साउंड आनी है। और इंटेलिजेंस नॉइस रिड्यूशन यार, नॉइस रिडक्शन ये यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर आउट क्लास में बोलूँगा यहाँ पर इस गेमिंग एयरपोर्ट की एक खासियत है। जैसे ही आप कान में लगाते हैं, कान में लगाते ही ना कोई साउंड वगैरह प्ले करते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ ही नहीं आती, इतना ज़बरदस्त और आउट क्लास साउंड यहाँ पर ये गेमिंग एयरपोर्ट्स देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाटर प्रूफ भी हैं एंड स्वेट प्रूफ भी हैं। सबसे मेन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक फ़ीचर यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया गया है, जो कि वाटर प्रूफ भी है एंड स्वेट प्रूफ भी है। यार और क्या चाहिए अगर एक ही प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। उसके अलावा लॉन्ग बैटरी लाइफ, आई एग्री विद दैट, क्योंकि आई सोल्ड तकरीबन 25 पीसेस प्लस जो कि एक हफ़्ते के अंदर ही मैंने सेल कर दिए हैं यार। मतलब कि लोगों को ज़्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, बट जिस चीज़ को पता चलता है, जैसे जैसे मैंने इसकी कैंपेन चलाई और जैसे जैसे लोगों को पता चला, दड़ोदड़ ख़रीदते गए और आगे और भी इस चीज़ को परचेज़ किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है यार। और यहाँ पर कंफर्टेबल टू वेयर, येस आई एग्री विद डैट के कंफर्टेबल वेयर, क्योंकि आप कान में जैसे ही लगाएंगे एक तो फिट हो जाएंगे आपके कान में और ऊपर से एक प्रीमियर किस्म की आपको लुक भी देते हैं। बॉक्स के बैक पे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल वगैरह लिखा गया है, ब्लूटूथ की ट्रांसमिशन डिस्टेंस लिखा गया है कि कितना आप इसको डिस्टेंस का हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 10 meters जो है आप ब्लूटूथ का एक जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रेंज लिखा यहाँ पर गया है, जो कि 20 Hz to 20 kHz तक है। उसके अलावा यहाँ पर आउटपुट बैंडविड्थ दी गई है, जो कि 2.4G है। उसके बाद सेंसिटिविटी दी गई है, ऑडियो डिकोडिंग दी गई है, ऑपरेशन मोड है, उसके अलावा सपोर्ट प्रोटोकॉल है, और चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी है। यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट जो स्पीड चार्जर है वो यहाँ पर दिया गया है, स्पीड चार्जर नहीं है भाई, इसके साथ में डेटा केबल मिलती है जो कि आप अपने अडॉप्टर में लगाकर सिंपली इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर ब्लैक कलर में गिवन दिया गया है, मेड इन चाइना भी साथ में लिखा हुआ है। बाय द वे चाइना की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है यार। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो ये जो पीस है मतलब कि प्लास्टिक कोटिंग में आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी इसकी एक एडवांटेज पॉजिटिव एक इमेज क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही बॉक्स खाली हो गया, तो बॉक्स को हम यहाँ पर ज़रा सामने रखते हैं, गिरना नहीं है भाई। तो ये रहा हमारा बॉक्स, क्योंकि इसके प्लास्टिक नीचे कोटिंग हुई है इस वजह से आगे पीछे हो रहा है। तो ये हमारा बॉक्स के बॉक्स से जो हमारे एयरपोर्ट निकलता है, सबसे पहले यहाँ पर यूज़र मैनुअल हमारा है जो कि चाइनीज़ में है, जो कि पड़ेगा कोई भी नहीं। ऊपर पिक्चर जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है एयरपोर्ट की, तो इसको हम साइड पर कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। साथ में हमें यहाँ पर टाइप सी की जो है डेटा केबल छोटी वाली दी गई है, तो हर एयरपोर्ट के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें ये कानों में लगाने के लिए जो सेपरेट, मतलब कि यार मैं तो एयरबड्स ही कहता हूँ, आप पता नहीं इनको क्या कहते हो, एयरबड जो हैं ये हमें दो गिवन दिए, जो आई थिंक से छोटे वाले हैं, जो कि एक तो जाते बड़े वाले आते हैं इसमें, लेकिन ये हमें छोटे वाले गिवन दिए गए हैं जो कि कानों में बहुत अच्छे फिट आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक बात है कि हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर
एयरबड्स गिवन दिए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, तो इसको हम करते हैं साइड पर और ये गिर रहा है, तो भाई गिरना नहीं है यहाँ पर, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो यहाँ पर पैकिंग इसकी गिवन दिए गए, पैकिंग से हम निकालते हैं इसको और अब आता है हमारा एयरपॉड। और काफ़ी प्रीमियर किस्म की यार लुक इसकी लग रही है मुझे। प्लास्टिक की बात करें यार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक यहाँ पर लग रहा है, प्लास्टिक आउट क्लास है यहाँ पर। अब इसको ज़रा ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले हम इसकी साइड पे चार्जिंग पोर्ट के अलावा कुछ नहीं दिया गया, नहीं टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट ही दी गई है। जो पिछला एयरपोर्ट था हमारा, वहाँ पर साथ में ही हमें USB भी हब दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर आप उसको पावर बैंक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर जस्ट यहाँ पर टाइप सी का ही पोर्ट दिया गया, जो कि इसको आप चार्जिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जो फर्स्ट लुक है एयरपोर्ट की, बड़ी ही आउट क्लास है। एयरपोर्ट को आप निकाल के दोबारा वापस लगाएंगे तो तब ही ये अपनी लाइट देगा, और आई थिंक से इसकी चार्जिंग बिल्कुल आउट है, और यस चार्जिंग इसकी आई थिंक से आउट है। आप इनको एयरपोर्ट्स को निकालते हैं, नहीं चार्जिंग आउट नहीं है, आप इसको एयरपोर्ट्स को निकालेंगे तो तब ही ये यहाँ पर शो आउट करेंगे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको शो आउट करेंगे। मतलब कि इसका जो लाइट है यहाँ पर, जैसे ही आप पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद ये जो लाइट है ऑफ हो जाएगी। और इसका सेंसर भी है, आप इसको ऑलरेडी मैं चेकआउट कर चुका हूँ अपनी पर्सनल जगह पे, बट आपके साथ यहाँ पर दोबारा से मैं शेयर आउट करूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप इसको सिंगल या डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो साउंड है या जो सॉन्ग ये जो भी आप प्ले करेंगे वह तो रुक जाएगा, या फिर डबल क्लिक करने से आपका नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। एक क्लिक करेंगे तो आपका जो साउंड ये गाना जो भी लगा वो पॉज हो जाएगा, और डबल क्लिक करने से आपका जो ऑडियो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा राइट लेफ्ट का यहाँ पर ऑप्शन गिवन दिया गया, और उसके अलावा इसकी जो एक मेन खासियत है कि ये जो बनाया गया है इसको, इसकी क्वालिटी जो बनाई गई है, एक तो क्वालिटी इसकी बहुत प्रीमियर लुक है। मतलब ये जो प्लास्टिक होता है वो बड़ा घटिया किस्म का प्लास्टिक लगाता है, लेकिन यहाँ पर इसके एयरपोर्ट की प्लास्टिक भी है काफ़ी अच्छी और डिमांडिंग लग रही है। मतलब डिमांडिंग इस तरह से काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है यार, एक बार जो लेगा वो दोबारा भी इस चीज़ को परचेज़ ज़रूर करेगा, आई श्योर दैट। के उसके अलावा जो एयरपोर्ट की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी एयरपोर्ट की क्वालिटी बनाई गई है, इसका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जैसे ही आप कान पे लगाएंगे तो एक प्रीमियर लुक आपके कान के साथ देगा कि एक कोई अच्छी चीज़ लगी। लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है, और काफ़ी अच्छी प्रीमियर लुक आपको यहाँ पर दे रहा है, आई थिंक येस काफ़ी अच्छी प्रीमियर लुक दे रहा है आपको। तो जैसे ही आप दोनों कानों पर लगाएंगे, नॉइस रिडक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बाहर से जो शोर वगैरह आता है वो आपको सुनाई नहीं देता, जो जैसे ही आप साउंड प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये एक बहुत अच्छी एक एडवांटेज है इस एयरपोर्ट का। प्राइस टैग की बात करते हैं अभी, लेकिन प्राइस टैग में काफ़ी सस्ता मिलता है यार। ये रहा हमारा एयरपोर्ट, काफ़ी अच्छा है, और आपको प्राइस टैग में बताता चलूँ कि प्राइस टैग इसकी है तकरीबन आपको मार्केट से, अगर मार्केट से आप लेते हैं तो 1800-2500 रुपीज़ के आसपास मिलती है, जबकि 1500 के ये मिल जाएंगे। तो डिलीवरी चार्जेज होंगे, जाहिर सी बात है वो आपको ही पे करने पड़ेंगे, बाकी आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। नंबर वगैरह आपको नीचे गिवन दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी है, पेज का लिंक भी है, आप वहाँ पर जाकर भी ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा ही काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और लगाए गए हैं, तो वो भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर तो आपको परचेज़ करने हैं तो आप व्हाट्सएप पे जाएं, वहाँ पर मेरी टीम से लिंक करें, इससे बात वगैरह करें, जो भी आपको चाहिए उनसे डील करें, और डील करने के बाद जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ पर आप मंगवाएं और आपको प्रोडक्ट आ जाएगी। ये हमारी चीपेस्ट प्राइस में आ रहे हैं एयरपोर्ट। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो वो हुआवे के ले रहे होते हैं, वो जो महंगे ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, तो तकरीबन वो उनको 2500-3500 के आसपास ही मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी साउंड के। बट यहाँ पर गेमिंग है, स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, साउंड कैंसिलेशन है, गेमिंग है, आला किस्म की प्लास्टिक है, आला किस्म की चार्जिंग सपोर्ट देते हैं, और बैटरी टाइमिंग इनकी बहुत आउट क्लास है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये यूज़ कर चुका हूँ। जब तक मैं खुद यूज़ नहीं करता तो आगे मैं अपने कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करता, तो मतलब कि काफ़ी अच्छी साउंड है। एक अद पीस अगर ख़राब हो जाता है तो बीच में उसके बारे में नहीं कहते। ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट आया है, 100 में से 98% तक मुझे
पॉजिटिव रिजल्ट इसका मिला है और काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट यार, लो रेंज में आपको ये देखने को मिलता है। तो प्राइस टैग जो है इनकी कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, तो एग्जैक्ट प्राइस टैग आपको बतानी थोड़ी सी वो भी रहेगी कि मैंने 1500 बता दिया, भाई 1500 का ही होगा, तो 1500 का नहीं होता, क्योंकि डॉलर्स जैसे ऊपर नीचे जाते हैं, जो चाइना की जो शिपमेंट होती है, चाइना की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें भी डॉलर्स में जैसे ही फ़र्क पड़ता है तो प्राइस टैग भी ऊपर नीचे होती है, और इन चीज़ों में भी जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है। तो अभी के प्रोडक्ट जो है, अभी की जो प्राइस है 1500 टू 1800 तक ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर ना मिले तो यार मैं किससे काम आऊँगा, नीचे जाओ, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पेज पे जाओ, चीज़ें देखो, लिंक आपको गिवन दिया गया, नंबर आपको दिया गया, जाएं जाके मेरी टीम से लिंक करें, पूछें, हो सकता है तो मैं पर्सनल भी आपसे कांटेक्ट करूं, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी अपने कस्टमर को डील कर रहा होता हूं, तो आप सब कुछ पूछें, अपनी सेटिस्फाई करें खुद को, जब सेटिस्फाई हो तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अगर तो आपने ऑर्डर करने यहां से तो यहां से ऑर्डर करने, अगर आपको कहीं और से अवेलेबल मिलते हैं तो वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर लें, नो इशू। तो ये हमारे एयरपोर्ट थे और बड़े ही आउट क्लास किस्म के एयरपोर्ट मुझे लग रहे हैं, लग क्या रहे हैं सच में। तो इनको मैंने उल्टा डाल दिया, इनको मैं सीधा डालता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया, जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो एयरपोर्ट का बॉक्स है वो ग्रीन होने लगता है, और ये यार बड़ा ही आउट क्लास का किस्म का एक लुक प्रोवाइड करता है। जैसे ही मेरे साथ ही यहाँ पर एयरपोर्ट गिवन दिए गए हैं, इसकी ब्लू लाइट लगती है जैसे इसको मैं करता हूँ, और यहाँ पर ग्रीन लाइट लगती है, और ये एयरपोर्ट यार माइंड ब्लोइंग किस्म के एयरपोर्ट है यार, मैं खुद पर्सनली भी ये यूज़ करता हूँ, और इसकी जो साउंड है ना यार, आला किस्म की साउंड है ये। इसकी इनबॉक्सिंग में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, इस वाले की आज आ चुकी है, आला किस्म की प्रोडक्ट है, चीप प्राइस में आ रही हैं, और यार माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना यार, माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो या तो मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ, या तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आउट क्लास है, गेमिंग है, और गेमिंग के हवाले से और एयरपोर्ट्स, या फिर एयरपोर्ट्स हो गए, गेमिंग माउस हो गए, जिस तरह की जितने भी गैजेट्स हैं जो कि मैं खुद भी पर्सनली चाइना से इंपोर्ट कर रहा होता हूँ, स्मार्ट वॉचेस हो गई, वो भी आने वाले वक्त में ज़रूर आपके साथ शेयर आउट करूँगा, बट अभी के लिए ये एयरपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से बहुत आउट क्लास चीज़ आ रही है, लो रेंज लो प्राइस बजट में यार, i12 i सीरीज़ की एक अनबॉक्सिंग भी मैं लेकर आऊँगा, जो कि यार साउंड के लिहाज से कॉपीज़ में आ रहे हैं और लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब करते हैं। तकरीबन उनकी प्राइस भी इन्हीं के आसपास आती है, i12 ले लें, i18 ले लें, उनकी प्राइस भी इन्हीं के आसपास आती है, बट इनकी साउंड और उनकी साउंड यार मैच ही नहीं करते ना यार, मैच ही नहीं करते, क्योंकि इनकी साउंड जो है वो आउट क्लास है, उनकी साउंड जो है वो बैठी बैठी धीमी धीमी से आती है। तो इसलिए आई रिकमेंड यू परचेज दिस, जिसमें गेमिंग का नाम आ जाए तो गेमिंग के लिए जो चीज़ बनी होती है वो आउट क्लास ही बनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, और ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट, तो ये थी हमारी वीडियो और ये थी प्रोडक्ट, दोबारा रिपीट कर दिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सी चीज़ें मिले कराने वाला हूँ इसी तरह की आउट क्लास चीज़ें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।